रविवार को दरभंगा शहर स्थित जिला शिक्षा भवन में प्रखंड साधन सेवियों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार देव कन्हैया ने अवकाश के बावजूद एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जुलाई की पहली तारीख से लागू होने वाली व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी प्रखंड साधन सेवियों को दी गई। आपको बता दें कि सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र हित के जितने भी अलग अलग बैंक खाते हैं सबके सब 30 जून तक बंद कर दिए जाएंगे। पहली जुलाई से नई वित्तीय व्यवस्था के तहत एक ही खाता का संचालन होगा। तो सर आज की बैठक किस चीज को लेकर थी? आज जितने भी हमारे मध्याह्न भोजन योजना के प्रखंड साधन सेवी है उनकी एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि पहली जुलाई से एक नया वित्तीय प्रबंधन पूर्ण निर्धारण किया गया है जिसके तहत पूरे राज्य में विद्यालय से लेकर राज्य तक एक ही खाता होगा। पूर्व से जो खाता संधारित हो रहा है मध्याह्न भोजन का उसको क्लोज करना है, क्लोजर सर्टिफिकेट लेना है बैंक से और उसमें जो भी राशि है उसको जिला के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है विद्यालय को। इसी के लिए यह बैठक बुलाई गई है। किस तरह यह इसको करना है और इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है क्योंकि पहली जुलाई से नया नियम शुरू हो जाएगा इसलिए 30 तारीख तक इसको कम्प्लीट। समय सीमा क्या? पहली जुलाई से नई प्रक्रिया शुरू होगी जो पुनर्निर्धारण किया गया है इसलिए 30 जून इसके लिए लास्ट 30 जून तक इसको कम्प्लीट कर देगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय कुमार देव कन्हैया। क्या करते हैं सर? DPO MBM।